ये अभी दाल बनाऊंगी। दाल बढ़िया से धो के रखा हुआ हूँ सन्ने में, और इधर कढ़ाई में अभी तेल डालूंगी। देखिए कैसे सिंपल दाल बनाती हूँ। ये तेल गरम हो गया, पूरा गरम हो गया। ये कढ़ाई ज़्यादा वो नहीं है, ढलाई कढ़ाई है लेकिन ज़्यादा भारी नहीं है, पतला है। जल्दी गरम हो गया तेल, मैं धीमी आंच में ही रखा हूँ। ये लहसुन दे दिया, लहसुन का बहुत बढ़िया खुशबू आता है दाल में। लहसुन डाल दिया है, ज़्यादा वो नहीं, फ्राई करना नहीं है लहसुन का, क्योंकि उसका खुशबू रहना। हम इसमें डाल दिया है, वो कुछ जाता है, थोड़ी सी टाइम में रखा नहीं तो एकदम पूरा तेल इधर उधर गिर जाएगा। तो काम वो होकर, और अगर काट तो पीसेस कर दूँगी तो ज़्यादा तीखापन आ जाएगा उसका गुटली निकल के। तो थोड़ी सी दाल दे दिया हूँ, बाकी दाल अभी चला देता हूँ, उधर फ्राई कर लेता हूँ दाल। दालें डाल दिया हूँ मैं, ये देखिए अभी वो करेंगे, चलाऊँगी इसको थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर चलाना है ताकि जल्दी वो हो जाए, जल्दी जल जाए। एकदम चलाना है, हल्दी और नमक डालेंगे अभी। एक हाथ से मोबाइल लेकर बहुत दिक्कत ही होता है, दीजिए कर। थोड़ा हल्दी भी डाल दिया, ये देखिए मैं क्या कहते हैं आज पाँचफूरन नहीं दिया, या काला जीरा कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही बनाऊँगी। इसे थोड़ी चलाना है, और थोड़ी सी चलाने के बाद पानी डालेंगे, क्योंकि दाल थोड़ा सा फट जाने वाला होंगे ना तो जल्दी गल जाएंगे। इसे फ्राई कर लेने का वही सुविधा है कि जल्दी गल जाते हैं। तो ये मसूर का दाल जो है प्रेशर कुकर में एक सीटी से भी कम लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सिपसिपा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अच्छा लगता है। देखिए मैं पानी डाल चुका हूँ, उबलने दूँगी, ढक्कन लगा के लगा दिया हूँ, उबलेंगे। हालांकि मैं ठंडा पानी ही डाला हूँ, इतना गर्म पानी नहीं था, और वो गर्म पानी करने का मतलब हो जाता गैस का खर्चा है। ऐसे हो जाएंगे क्योंकि फ्राई कर लिया हूँ, दाल गर्म है, ऐसे कोई बात नहीं है। दाल में ऐसे अच्छा कुछ भी आता है, लहसुन भी फ्राई कर, क्या कहते हैं ज़्यादा, एक्चुअली लहसुन कच्चा ही डालना है, लेकिन मैं थोड़ी सी फ्राई कर ही दिया है। और सूखी मिर्च को अगर पूरा पका देने से तो और ही खुशबू आता है, लेकिन और क्या कहते फूट जाने का डर से मैं वो ज़्यादा फ्राई नहीं करा है। देखते रहिए आज का मेरा दाल वाला वीडियो। बढ़िया सा दाल बन गया, बक 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 ए बक 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 बढ़िया दाल बन गया ये। और ज़्यादा वो सिपसिपा होने से अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। और एक मिनट में उतार देंगे ये सिंपल से बढ़िया सा मसूर का दाल, लहसुन का सुगंध। हालांकि आज मैंने वो नहीं दिया, बस पुरानिया काला जीरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये ऑमलेट बन रही है, ऑमलेट में पूछ बन रहा है, और ये दाल, चावल, पत्ता गोभी। चावल हालांकि ज़्यादा लेकर रखा हूँ क्योंकि हम लोग दोनों एक ही साथ खाऊंगी, माँ बेटी। दाल दाल तो लेते रहूँगी, दाल है ऑलरेडी कढ़ाई में, थोड़ी सी मिर्च ले लिया, कच्चा मिर्च, सूखा मिर्च भी है, और ये है ऑमलेट मेरा डाटर के लिए। ऑमलेट मीन्स उच उदौर प्रिया जो